भैया पास से कुछ आवाज आई। दीदी कहीं पत्थर वाले नहीं? चल चल वो देखो, टेबल पर रखा फूलदान गिर गया है, उसी का आवाज था। नहीं कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया? अभी तुम रोशनी क्या बेटा? कोई नहीं, चलो बाहर जाके देखते हैं। अरे नहीं, यही दबा के तो नहीं बैठा। कोई नहीं होगा बेटा, चलो फिर दरवाजा बंद करो। डरने का कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई चूहा बिल्ली होगा, गिरा गया। कितना जोर से चिल्लाई थी, हमारा तो कलेजा मुंह को आ गया। देखना सारे घर को जगा दी। कुछ नहीं है बेटा, सो जाओ आराम से। और सो जाओ चंचल, वो आवाज हुआ ना तो तुम उस दिन का हादसा का वजह से डर गए। सो जाओ। बाल बाल बच गया पिंटू सिंह, वरना सारा का सारा इज्जत धरा का धरा रह जाता। जो हुआ सो हुआ, चिट्ठी अपनी सही जगह पहुंच गया, बस कृष्णा उसको पढ़ ले। कृष्णा, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि तुम हमारे प्यार को स्वीकार कर ली। और हाँ मंगल बोलो। हाँ मैडम, हम एक घंटा देरी से आएंगे। वो कहा है ना, हमको अपनी बीबी को लेकर अस्पताल जाना है। ठीक है जाओ, ये लो तुम्हारा टिफिन। कहाँ हो दीदी? मंगल जी आज भी नहीं आएंगे।
तो इसमें कौन सा नया बात है? मंगल महाराज का ई महिमा तो पुराना हो चुका है, उसके पास रोज अब नया बहाना रहता है। हमको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है एक मीटिंग के लिए, और मीटिंग बहुत जरूरी है। एक काम करते हैं, पापा को बोलते हैं, वो हमको छोड़ देंगे। अरे पापा और रवि भैया तो सवेरे जल्दी ही निकल गए, अब मीटिंग में कैसे जाएं? देरी हो रहा है, अगर रिक्शा से जाएंगे तब भी समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्या करें? पिंटू जी को बुला लो। नहीं, ऐसे पिंटू जी को बार बार काम के लिए बुलाना सही नहीं है। दीदी, एक वही तो तुम्हारे दोस्त है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा मदद करते हैं, अब ऐसे टाइम पे नहीं बुलाओगी तो कब बुलाओगी? फिर भी जब देखो तब अपना काम के लिए ऐसे पिंटू। दीदी, तुम अखबार वाला बात से परेशान हो कि लोग तुम लोगों को फिर से एक साथ देखेंगे और बात का बतंगड़ बनाएंगे? कल पापा माँ से एक बात कह रहे थे कि जिनके मन में चोर नहीं होता उनको अपना मुंह छुपाने का कोई जरूरत नहीं, और जब तुम जानती हो कि तुम और पिंटू जी गलत नहीं है तो ये बेकार का बात पर ध्यान काहे दे रही हो? तुम तो सच में दादी अम्मा हो, हम आपकी आज्ञा का पालन कर लेते हैं, नहीं तो सही में देरी हो जाएगी। कृष्णा का फोन। हेलो पिंटू जी, क्या आप हमको अभी ऑफिस छोड़ देंगे? हाँ, हम आपको ऑफिस छोड़ देंगे ना, बस हम 5 मिनट में हाजिर होते हैं। पिंटू सिंह, लगता है कृष्णा ने तुम्हारा चिट्ठी पढ़ लिया, और वो भी तुमसे प्रेम करती है और अपना दिल का बात बताना चाहती है। ए जी, देख रहे हैं हमारे कियाड़ी में बगीचा के बहुत दिन से गुलाब का फूल नहीं खिला। हाँ ध्याती जी, ठीक कह रही हैं, हमारा जिंदगी में इतना कांटा ना उग गया था कि गुलाब का ख्याल ही नहीं रहा। जितना कांटा लगना था ना लग गया। अब हम भी वो माली हैं जो अपना बाग में कांटा उगने ही नहीं देंगे और दूसरे की जिंदगी में कांटा बो देंगे। तने इसमें पानी डालिए ना। ठीक। अच्छे लग रहे हैं, कोई खास बात है का? गजबे निर्लज लोग है, बताओ देख के लगता है कैसा लाज सड़म घोड़ का पी गया है। इतना कुछ करके भी ना इनके साथ कोनो फायदा नहीं हुआ। दोनों को सवारी मोटरसाइकिल से सैर सपाटा के लिए निकल रहा है। भगवान करे मोटरसाइकिल पलट जाए, फिर दोनों का सैर सपाटा ना धड़क धड़ रह जाए। कृष्णा, आज हम बहुत खुश हैं।
क्योंकि तुम हमारे प्यार को स्वीकार कर रही हो और तेरी दरस को ही तरसे नैना लंबी बड़ी रही है मेरी रैना ना जाने कुछ भी दिल मेरा पी हो तेरे सिवा मांगो भी और मैं क्या हो ना जाने कुछ भी दिल मेरा तुमको पता भी नहीं होगा कि तुमको अपना दिल का बात बताने के लिए का कोशिश करी है कितना बुरा बुरा ख्याल हमारे मन में आ रहा लेकिन फिर हम सोचे अपना दिल का बात बताने का यही सबसे सही रास्ता है क्योंकि तुम हमारे प्यार को स्वीकार कर ली हम तुमसे बहुत प्यार कर ये लो तुम्हारा वो ऑफिस भी आ गया आप कुछ कह रहे थे पिंटू जी इसका मतलब तुमने हमारी एक भी बात नहीं सुनी वो नवरात्र चल रहा है ना तो हम ही ईयरफोन से दुर्गा सप्तमी का पाठ सुन रहे थे नमस्ते मैडम माफ कीजिएगा मैडम वो का है अस्पताल से आने में तनिक बेसी देर हो गई ठीक है कोई बात नहीं वो तो अच्छा हुआ कि हम पिंटू जी को बुला लिए थे वो यहाँ हमको टाइम पर पहुंचा दिए का मतलब ये ड्राइवर ने आया था इसलिए तुम हमको बुलाई जी माफ कीजिएगा वो कहा है ना कि हमको यहाँ टाइम से पहुंचना था और हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था इसलिए आपको तकलीफ उठाना पड़ा हम जानते थे आप हमारा मदद जरूर करें मैडम जी लेकिन फिर वो जो चिट्ठी है चिट्ठी कौन सा चिट्ठी मैडम जी चलिए मीटिंग का टाइम हो रहा है पिंटू जी हम चलते हैं हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद इसका मतलब कृष्णा को हमारा चिट्ठी मिला ही नहीं तो वो चिट्ठी गया कर इतना दिक्कत से कल रात को हम कृष्णा के घर में वो चिट्ठी रख के आए थे अरे वो चिट्ठी कृष्णा के हाथ में रख के आए थे का नहीं यार अब फिर कैसे सोच लिए कि वो पढ़वे की होगी कहीं और रखा रह गया हो तो अरे कहीं वो चिट्ठी पैक के बजाय नीचे तो नहीं गिर गया अगर वो चिट्ठी किसी और को मिल गया तो देखो इसे फालतू टाइम पास करने से कोनो फायदा नहीं सही बात तो ये कि तुम जाकर डायरेक्ट कृष्णा से मिल लो और तुम्हारे दिल में जो भी बात है साफ साफ कह दो सही बात इससे पहले कि वो चिट्ठी किसी और के हाथ में लगे हमको कृष्णा को अपना दिल का बात बताना ही होगा आज कृष्णा से हमको अपना दिल का बात करना ही होगा अब कोनो लाभ लपट नहीं कोनो चिट्ठी पत्री नहीं हेडफोन पे कोनो भजन तजन नहीं सीधा आमने सामने सब बात साफ साफ बात
पिंटू जी आप आइए 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 बैठिए ना आइए। पिंटू जी ये जनेश्वर बाबू हैं, हमारी कृष्णा के लिए रिश्ता लाए सिवान के डीसी साहब का। हम चलते हैं। अरे बैठिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, आप पहले ये सब काम निपटा लीजिए, हम बाद में आएंगे। ठीक है, आप लोग सोच विचार लीजिए और आपका जो फैसला हो हमको बता दीजिएगा। अरे इसमें सोच विचार का करना है, हमको तो ये रिश्ता। माँ ठीक है, आप जाइए, हम आपको सोच विचार करके बता देंगे। ठीक है, हम चलते हैं।
साथ ही रखो, मैं तुम्हारी माँ से बात करके आता हूँ।